जय हिंद दोस्तों, क्रिकेट फंडस में आप सबका स्वागत है। आपका अपना चैनल क्रिकेट फंडस को आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप विराट कोहली के फैन है तो एक खबर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, और अगर आप टीम इंडिया के फैन है तो एक खबर आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये खबर T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई है। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई है। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को लेकर एक चौंकाने वाली खबर यह है कि T20 वर्ल्ड कप से विराट कोहली को ड्रॉप किया गया है। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली नहीं देखेगा, तो टीम इंडिया से बाहर कर दिया, क्योंकि विराट कोहली टीम इंडिया के कैलकुलेशन में फिट नहीं हो रहा है, इसलिए विराट को टीम इंडिया से बाहर कर दिया। कोहली इस सदी के टीम इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर है, फिर भी विराट कोहली को टीम इंडिया से बाहर कर दिया। विराट को बाहर करने की वजह यह है कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और USA में होगा, और विराट कोहली की बल्लेबाजी की औसत वेस्ट इंडीज में अच्छा नहीं है। विराट कोहली T20 में अच्छे बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज में नहीं कर सकते, इसलिए T20 से विराट कोहली को बाहर कर दिया BCCI ने। अगर आप विराट कोहली के फैन है तो ये खबर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर इसलिए है, क्योंकि बाहर विराट कोहली को पूरी तरह से BCCI ने बाहर नहीं किया। विराट कोहली IPL खेलेगा, IPL में अच्छा खेलेगा तो विराट कोहली को टीम इंडिया में जरूर लिया जाएगा। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी होगा, प्लेइंग 11 में भी होगा। क्या विराट कोहली IPL में अच्छा करेगा, इसी के ऊपर उसका T20 वर्ल्ड कप का करियर। अगर विराट कोहली IPL में अच्छा करेगा तभी T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को मौका मिलेगा खेलने का। टीम इंडिया की सिलेक्टर की नजर में विराट कोहली फिट नहीं बढ़ते हैं। जी हाँ, टीम इंडिया के सिलेक्टर की नजर में विराट कोहली अभी फिट नहीं बढ़ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से। इंडिया रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग की जिम्मेदारी देगी और शुभमन गिल को टीम इंडिया नंबर 3 पे खिलाएगी। उसके बाद इसलिए विराट कोहली की जगह नहीं बन पाए, क्योंकि उभरते हुए शुभमन गिल बहुत ही अच्छे खेल रहा है और हाल ही में बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहा है शुभमन गिल, इसलिए शुभमन गिल को टीम इंडिया से बाहर करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 ऐसा होगा कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपन करेगा, 3 पे विराट कोहली की जगह शुभमन गिल खेलेगा, और 4 नंबर पे सूर्या कुमार यादव, 5 नंबर पे कोई एक विकेट कीपिंग बल्लेबाज होगा जो KL राहुल या ईशान किशन, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, जितेंद्र शर्मा कोई भी हो सकता है, 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या, 7 पे रिंकू सिंह और बाकी सारे बढ़िया। इसके बाद गेंदबाजों की पारी है। आपको क्या लगता है, विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए या नहीं, और क्या BCCI को या सिलेक्टर को T20 टीम में विराट कोहली को शामिल करना चाहिए, आप कमेंट पे जरूर बताएं। विराट कोहली वनडे टेस्ट और T20 में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। जो विराट कोहली वनडे में जैसे बहुत ही शानदार खेल दिखाते हैं, वैसे ही T20 में बहुत अच्छे खेलता है। जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है इसमें इंडिया के होकर 2007 में गौतम गंभीर सबसे ज्यादा रनों की बारिश की थी, सबसे ज्यादा रन बनाए। उसके बाद 2009 में युवराज सिंह और 2010 में सुरेश रैना। 2012 से 2016 तक विराट कोहली का एरा रहा। 2012, 14 और 16 में विराट कोहली टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा रनों की पारी खेली थी, और वो 2016 में बहुत ही ज्यादा स्कोर किया था, जो T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली की है। और 2021 में जब विराट कोहली T20 खेल रहा था, अपनी कप्तानी में विराट कोहली की थोड़ी रन कम हुई थी और अपने जौहर नहीं दिखा पाए अच्छे से। लेकिन 2022 में जब T20 कप्तान रोहित शर्मा थे, तब विराट कोहली ने अपने बल्लेबाजी की लोहा दिखाई और पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही शानदार मैच जिताए, जिस वो मैच विराट कोहली की करियर की एक बहुत ही यादगार पारी है, जिसमें हरीश रोक को सामने की तरफ एक छक्का मारा था। आपको क्या लगता है, विराट कोहली को IPL में खेलना चाहिए या नहीं, और IPL खेलने के बाद आपको क्या लगता है, विराट कोहली टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप में होगा क्या, विराट कोहली को टीम इंडिया की वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब कमेंट पे जरूर बताएं। अगर आप विराट कोहली के फैन है या टीम इंडिया के फैन है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल क्रिकेट फंडस को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और दोस्तों में अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। हम एम करते हैं इस वीडियो को आप विराट कोहली के फैन है तो 100 से ज्यादा लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।